हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है माइक्रोटिब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सिलिया, फ्लैजेला एंड पेरोक्सीजोम्स, स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स इन सिलिया, सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फाइबर एंड क्रोमैटिन, सेंट्रियोसोम, न्यूक्लियोसोम एंड सेंट्रियोल्स। मतलब कि माइक्रोटिब्यूल्स इनमें से किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जिसकी कॉन्सेप्ट की हम स्टडी करेंगे, ये की कॉन्सेप्ट है माइक्रोटिब्यूल्स की स्टडी करेंगे, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जिसके नाम में आ रहा है माइक्रो मतलब स्मॉल एंड ट्यूब्यूल्स का मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रो ट्यूब्यूल्स। तो स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये बने होते हैं यूजुअली प्रोटीन्स के। प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जैसे ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन एट्सेट्रा। तो ऐसे प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं माइक्रोटिब्यूल्स, एंड इनका मेन फंक्शन जो होता है, ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में हेल्प करते हैं, एंड ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर भी। साइटोप्लाज्म में जो स्केलेटल सिस्टम होता है, साइटोप्लाज्म का जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, वो बनाते हैं माइक्रोटिब्यूल्स, एंड ये हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस में। जैसे सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस बना, सपोज वो न्यूक्लियस से बना, अब उसको न्यूक्लियस से राइबोसोम तक पहुंचाना है, तो उसकी मूवमेंट होगी सब्सटेंस की, तो उस मूवमेंट में हेल्प करते हैं माइक्रोटिब्यूल्स, ये इनका मेन फंक्शन होता है। तो जिस भी मूवमेंट वाले स्ट्रक्चर हैं, जो भी इधर लिखे हैं, उन सब में माइक्रोटिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट लिखा है सिलिया, तो सिलिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सिलिया जो होता है ये स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड ये बने होते हैं माइक्रोटिब्यूल्स के, यानी माइक्रोटिब्यूल इनका एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो सिलिया जो होगा वो करेक्ट है। नेक्स्ट बोला है फ्लैजिला, तो फ्लैजिला भी हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, एंड इनका फंक्शन भी मूवमेंट के लिए ही होता है, मूवमेंट के लिए यूज करे जाते हैं, एंड इनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं माइक्रोटिब्यूल, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है पेरोक्सीजोम्स, तो पेरोक्सीजोम्स का फंक्शन होता है लिपिड की सिंथेसिस में फंक्शन करते हैं, एंड इनके अंदर माइक्रोटिब्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है स्पिंडल फाइबर्स का फंक्शन होता है कि ये जाकर के अटैच करते हैं काइनेटोकोर से अटैच करके ये हेल्प करते हैं क्रोमैटिड्स की मूवमेंट में। तो ये भी मूवमेंट में इन्वॉल्व है, तो इसलिए क्रोमैटिड्स को मूव कराते हैं, तो इसलिए इनके अंदर भी प्रेजेंट होता है जो ये माइक्रोटिब्यूल होते हैं। सेंट्रियोल्स जो होते हैं, सेंट्रियोल किसके बने होते हैं, जब स्पिंडल फाइबर जब निकलते हैं, तो स्पिंडल फाइबर जिन ऑर्गेनल से निकलते हैं उनको सेंट्रियोल्स बोला जाता है। सेंट्रियोल्स जो होते हैं स्पिंडल फाइबर्स बनाने में हेल्प करते हैं, इनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं माइक्रोटिब्यूल्स, एंड सिलिया के अंदर भी होते हैं। तो यहाँ पे तीनों में होते हैं प्रेजेंट, स्पिंडल फाइबर में भी, सेंट्रियोल में भी, सिलिया में भी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सिलिया, क्योंकि इन सब में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट में बोला है सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल में प्रेजेंट होते हैं, स्पिंडल फाइबर में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमैटिन क्या होता है, तो क्रोमैटिन जो हमारा क्रोमोसोम होता है उसी को बोला जाता है क्रोमैटिन, एंड क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। क्रोमोसोम तो डीएनए का बना होता है, आप माइक्रोटिब्यूल एब्सेंट होते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला हुआ है सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम जो होता है वो क्या होता है, सेंट्रोसोम तो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं सेंट्रियोल्स, एंड सेंट्रियोल्स जो होते हैं ऐसे दो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बैठे होते हैं, एंड इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम साथ में बोलते हैं तो इसको सेंट्रोसोम बोला जाता है, एंड इनके अंदर भी माइक्रोटिब्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोसोम, तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोसोम बोला जाता है जब डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, एंड इधर प्रेजेंट नहीं होता माइक्रोटिब्यूल, तो इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स एंड सिलिया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।